हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय कुमार यादव। आपका स्वागत है टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर को सुपर फास्ट कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, कुछ कोड बताने वाला हूँ जिसे आपको यूज़ करना है ताकि आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाए, काफ़ी फास्ट हो जाए। ओके, तो रीज़न क्या है दोस्तों कि कभी कभी आपका कंप्यूटर जो है स्लो वर्किंग करने लगता है, काफ़ी स्लो प्रोसेस करता है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वो काफ़ी स्लो चलता है, आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी स्लो हो चुकी है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, क्या है उसके लिए तरीका है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये 6 टिप्स हैं, यहाँ पर 6 कोड हैं जिसका यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो इसे यूज़ कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर जाइए, स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप टाइप कीजिए रन, यानी रन पैड में आपको जाना है। रन पर आप क्लिक करते हैं तो आपका रन पैड खुल गया। रन रन में आपको दोस्तों ये जो दिया हुआ है 6 कोड, रिसेंट टेम, टेम परसेंट टेम, परसेंट टेम परसेंट दिया है, प्रीफेच, ट्री, क्लीन MGR, ये 6 कोड 1 बाय 1 टाइप करना है। तो यहाँ पे मैंने रिसेंट टाइप किया है, रिसेंट टाइप करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करते ही देखिए ये विंडो खुल जाएगा। रिसेंट रिसेंट यानी कि आपने ये पहला जो था रिसेंट, इसका मतलब है कि आपने जो हाल ही में जो भी म्यूज़िक प्लेयर ओपन किया होगा, वीडियो, गाना, फोटो जो भी देखा, उसके यहाँ पे शॉर्टकट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्टकट्स क्रिएट हो गए हैं, इन सभी शॉर्टकट्स को आपको यहाँ से डिलीट करना है। अगर आप दोस्तों घबराइए नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि अगर ये डिलीट करने से आपके जो डेटा है वो भी उड़ जाएँ, जैसे कि ये वीडियो देखिए हिस्ट्री ऑफ सी करके यहाँ दिया है मैंने, देखा है, तो ये सब आपको लगता है उड़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको पहले कंट्रोल ए, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए, कंट्रोल का बटन दबा के ए दबाना है, एंड राइट क्लिक करके डिलीट दिया है, डिलीट करना है, डिलीट हो गया। तो आप ऐसा करेंगे तो आपको रिसेंट से कोई डेटा नहीं उड़ेगा, आपको टेंशन की बात नहीं, आपका रिसेंट यानी जो शॉर्टकट थे वो उड़ चुके हैं, आपका कोई डेटा आपके कंप्यूटर से, कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर, किसी चीज़ का नुकसान नहीं होगा। ये खाली एक शॉर्टकट, जो आप कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो कंप्यूटर के बैकग्राउंड में शॉर्टकट्स क्रिएट हो जाते हैं, जो वो भी कंप्यूटर के साथ रन होते हैं, जिससे आपकी कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है। तो ये 6 चीज़ें जो हैं, रिसेंट टेम, परसेंट टेम परसेंट, प्रीफेच, ट्री, क्लीन MGR, ये सब शॉर्टकट्स को हटाने के लिए बनी है। ओके, ताकि आपके कंप्यूटर की स्पीड नॉर्मल हो सके। तो उसी तरह आपको वापस से जाना है रन पे, रन पे जाने का दोस्तों शॉर्टकट भी है। अगर आप रन कमांड खोलना चाहते हैं तो आपको विंडोज़ प्लस आर, विंडोज़ प्लस आर आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होता है। विंडोज़ प्लस आर दबाएंगे तो आप रन कमांड आपका खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ रन में आपको वापस से अभी टाइप करना है सेकेंड ऑप्शन जो है टेम्प, टेम्प, और एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है यू डोंट करेंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर, तो इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही दोस्तों देखिए यहाँ पे टेम्प, टेम्प यानी टेम्प्ररी, टेम्प्ररी फाइल जो किसी भी चीज़ के, किसी भी प्रोग्राम के, सॉफ्टवेयर के, फोटोज़ के, वीडियोज़ के टेम्प्ररी फाइल्स हैं जो ओपन हो गए यहाँ पर आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम के पीछे भी रन होते हैं, जिससे कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है। तो इसे भी आपको कंट्रोल ए, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल एंड ए का बटन दबाना है, सिलेक्ट ऑल किया आपने, इसे राइट क्लिक, डिलीट, इसे भी डिलीट कर देना। इससे भी आपके कंप्यूटर को कोई नुकसान नहीं है, कोई डेटा आपका हार्मफुल नहीं होगा। यानी ये जो 6 टिप्स मैंने दिए यहाँ पे, आपको जब यूज़ करते हैं और आप जो भी टेम्प्ररी फाइल शॉर्टकट्स क्रिएट हैं उसको आप डिलीट करते हैं तो आपके मेन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर से कोई नुकसान नहीं होगा, वो खाली शॉर्टकट्स डिलीट होंगे और उससे आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ थर्ड है टेम, परसेंट टेम, इसे भी आपको विंडोज़ प्लस आर का बटन दबाया मैंने, रन ओपन किया, रन में आपको इसे भी टाइप करना है, उसके बाद एंटर कीजिए। देखिए इसमें भी काफ़ी शॉर्टकट्स, टेम्प्रेरी फाइल, यहाँ पे लिखा है TMP फाइल, फाइल फोल्डर, ये सब चीज़ों के शॉर्टकट्स हैं, काफ़ी हैं दोस्तों, बहुत हैं। इसे भी आपको कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट करना है एंड इसे भी डिलीट करना है। यस, डिलीट करते हैं, देखिए कुछ फाइल्स डिलीट नहीं होंगी, इसमें ट्राई अगेन लिखा है, यहाँ पर आपको यहाँ मार्क करके डू दिस फॉल और कलर आइटम्स यहाँ पे क्लिक करके आपको स्किप कर देना है, यानी ये डिलीट ही नहीं होती है। यानी जो अभी हाल ही में आप जो अभी सॉफ्टवेयर या जो प्रोग्राम या जो चीज़ आप ओपन किए हैं आप उसके ये शॉर्टकट्स हैं, तो ये अभी डिलीट नहीं होंगे और इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे कट कर दीजिए, वो आपके बाकी जो फालतू थे शॉर्टकट्स वो डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद फोर्थ है प्रीफेज, इसे भी हम यहाँ टाइप कर लेते हैं एंड एंटर करते हैं। ये भी देखिए परमिशन मांग रहा है आपके एडमिन की, तो इसे आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे करते ही फिर देखिए इसके भी शॉर्टकट्स, शॉर्टकट फाइल, टेम्प्ररी फाइल शो हो रहा है, इसे भी आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए बटन दबाइए एंड राइट क्लिक करके डिलीट एंड यस, यस करते ही देखिए ये भी डिलीट हो चुका है, इसे भी कट कर दीजिए।
एंड फिफ्थ है ट्री। इसे भी आप रन में जाके टाइप कीजिए एंड एंटर कीजिए। एंटर कर दिए, देखिए यहाँ पे सीएमडी ओपन हुआ था कुछ सेकंड्स के लिए। अगर आपके टेम्पररी फाइल ज़्यादा होंगे, शॉर्टकट फाइल ज़्यादा होंगे तो काफ़ी समय के लिए आता है, बट काफ़ी कम थे मेरे में, इसलिए फटाक से आके एक सेकंड की झलक देके चला गया। तो उसमें जो भी आपके टेम्पररी फाइल से वो डिलीट कर देता है ट्री। एंड लास्ट है क्लीन MGR, इसे भी हम टाइप कर लेते हैं रन पैड में, इसके बाद एंटर कीजिए। एंटर करते ही दोस्तों ये देखिए क्लीन MGR क्या है, यानी क्लीन ये आपको क्लीन करेगा, डिस्क क्लीन अप। डिस्क क्लीन अप यानी कि आपके जो ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी आपके ड्राइव्स होंगे उसको ये क्लीन करता है। आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो चाहते हैं आप क्लीन कर सकते हैं, बट मोस्टली आपके जो भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो भी चीज़ें हैं सब सी ड्राइव में इंस्टॉल होती हैं, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको सी ड्राइव देखिए दिखा रहा है, तो इस पर आपको ओके करना है। इससे आपको कोई नुकसान नहीं है दोस्तों आपके कंप्यूटर का, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि आपको कुछ इसमें नुकसान होगा या कोई सॉफ्टवेयर या कुछ आपका नुकसान नहीं होगा। सिर्फ शॉर्टकट्स फाइल जो बैकग्राउंड में फालतू चीज़ें हैं उसको ये साफ कर देता है, यानी क्लीन कर देता है। इसका नाम ही है डिस्क क्लीन अप, यानी जो भी डिस्क है आपकी सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, हर एक डिस्क को ये क्लीन कर देता है। ये कुछ समय लेगा, ज़्यादा समय नहीं, कुछ सेकेंड्स लेगा। डम फाइल देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डम फाइल्स को ये डिलीट कर रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये विंडो खुल गया, इसमें आपको ओके करना है। ओके करते यहाँ पर पूछ रहा है आर यू श्योर वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल्स, तो आपको डिलीट फाइल करना है। डिलीट यानी दोस्तों आपको कुछ भी इसमें फालतू नहीं है, शॉर्टकट्स के लिए पूछ रहा है कि शॉर्टकट टेम्पररी फाइल जो फालतू चीज़ें हैं डम फाइल उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ डिलीट फाइल्स पे करना है, डिलीट फाइल्स। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लीनिंग अप ड्राइव सीट, सी ड्राइव आपकी जो है क्लीन हो चुकी है, सिंपली ईजी वे में आपकी सी ड्राइव भी क्लीन हो चुकी है। तो दोस्तों ये 6 टिप्स थे जिसकी मदद से हमने आपको सिखाया कि किस तरह आप अपने कंप्यूटर के टेम्पररी फाइल्स, शॉर्टकट, जो भी फालतू चीज़ें हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम के पीछे रन होती हैं, आप उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो आपने डिलीट कर दिया, उसके बाद देखिए ये सब रिसाइकल बिन में स्टोर हो गया है। डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन को आप ओपन कीजिए, ऐसे भी आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एम्प्टी दी रिसाइकल बिन, यहाँ से क्लिक करना है। एंड यहाँ भी पूछ रहा है कि आप परमानेंटली इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो यस कर दीजिए। देखिए ये फुल्ली डिलीट हो चुका है, रिफ्रेश मारते हैं हम डेस्कटॉप पे आके। देखिए ये सिंपली 6 स्टेप्स थे, 6 टिप्स थी मैंने जो बताई आपको। ये 6 टिप्स को आपको रन कमांड में यूज़ करके डिलीट करना है, उसके बाद रिसाइकल बिन से इसे उड़ा देना है। इसके बाद आपको अपने स्टार्ट बटन पे जाके कंप्यूटर को, यहाँ देखिए रीस्टार्ट का बटन दिया हुआ है, रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट होने के बाद दोस्तों आप फील करेंगे कि आपका कंप्यूटर जो है पहले से काफ़ी तेज़ हो चुका है, काफ़ी फास्ट हो चुका है, इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट हो चुकी है। जो भी आपको स्लो चल रहा था प्रोग्राम, जो प्रॉब्लम आ रही थी, हर एक चीज़ सॉल्व हो चुकी है। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद नुस्खा है दोस्तों, काफ़ी अच्छी टिप्स है, इसे ज़रूर अपनाइए, ज़रूर यूज़ करके देखिए। एंड आपको कैसे लगा कमेंट ज़रूर कीजिए, इस वीडियो के थ्रू आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली आपको कैसी लगी आप कमेंट हमें ज़रूर कीजिए, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। एंड हाँ, फ्यूचर में और भी डिटेल्स और भी टेक्निकल वीडियो की जानकारी लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल दुनिया को यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने पर दोस्तों आपको और भी फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।